जिंदगी के बाद मतलब स्थिति भिन्न प्रकार से है। राजीव यादव सन्नभुलेख राम कवरिया सिंह 49,233 मत, विशाल प्रसाद। महाराष्ट्र की जनादेश को यहाँ पे देख रहे हैं कि हर तरफ एनडीए की लहर दौड़ रही है। उसी तरह जैसा कि मैंने बताया था, तराड़ी में भी जो जनता चाहती है विकास के मार्ग के लिए उन्होंने जो हमें मैंडेट दिया है, हम 10 महीने में 10 साल के कार्य को पूरा करने के लिए आज से प्रतिबद्ध है। कई समस्याएं खड़ी हैं आपके सामने, पहली शुरुआत कहाँ से होगी? कई समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है तराड़ी विधानसभा में विकास की अगर बात करें तो। पहली समस्याएं, पहले हमारी मुलाकात होगी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में, हमारे लोगों के साथ में, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में, और हमें जो भी समस्याओं की सूची मिली है उनको हम लोग बैठ के समझेंगे कि इस 10 महीने में किस किस इंटरवल पे किस किस वर्क को पूरा किया जाए। तराड़ी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? शुरू से ही आप रुझान में आगे रहे और ये बढ़त जो है कंटिन्यू जारी रही अंतिम तक। ये तराड़ी की जनता जब विकास ढूंढती है तो इसी तरह ढूंढती है। उन्होंने विकास के लिए जो वोट किया है, मैं उन सबको अपने तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम कहना चाहता हूं, और अपने खास करके अपने कार्यकर्ताओं को और जिन लोगों ने भी मेरे ऊपर भरोसा जताया है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो या बिहार नेतृत्व हो या कार्यकर्ता हो या हमारी प्यारी तराड़ी की जनता हो, सबको मेरा प्रणाम। क्या लगता है कि माले के जो कैडर वोटर है उसमें बीजेपी इस पर संवारी करने में कामयाब हो पाई है? देखिए, मैं जो चीजें देख रहा हूं, जहां भी मुझे जिस बूथ पे भी वोट्स मिले हैं, वो वोट्स वही है जो लोग जागरूकता की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लोग भी पढ़े लिखे और शिक्षित हैं, जिन्हें दिख रहा है कि नहीं, विकास सिर्फ और सिर्फ एनडीए कर सकती है, हमारी सरकार कर सकती है, और वो जो विकसित माइंडसेट उनका आया है, ये उसका मैंडेट। क्या लगता है कि एनडीए में एकजुटता दिखा है चुनाव में और महागठबंधन में बिखराव दिखा है क्या? एनडीए में तो एकजुटता है, एकजुटता जिस तरह से आपने देखा कि हमारे राज्य के जितने सारे नेताओं ने यहाँ पे कोशिश की, सबसे बातें की और सबकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, तो उन समस्याओं को देखते हुए चाहे जेडीयू के माननीय श्री नीतीश कुमार जी हों या चिराग पासवान जी हों या हमारे भाजपा के सारे सदस्य, हम लोगों ने हर एक मोर्चा और हर एक प्रखंड स्तर से लेके हमने बूथ स्तर तक सब लोग मिलकर काम किए हैं, और ये सबका मैंडेट। विशाल जी, आपके जो प्रतिद्वंदी रहे हैं भाजपा माले के उम्मीदवार राजू यादव, उनका आरोप है कि इस चुनाव में धनबल जीता, बाहुबल जीता है, और हम जनता के आज भी उम्मीद पे खड़े हैं, कल भी उम्मीद पे खड़े। मैंने उनके बारे में, मैं नहीं जानता कि जो भी उन्होंने बोला हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये मैंडेट जनता को जो मुझे दिया गया है, ये विकास के लिए दिया गया है, और ये जो 10 महीने में कार्य होगा और अगली बार जब आएगी तब आप उनसे पूछ सकते हैं। जीत के बाद हम 10 की तैयारी है, कार्यकर्ता लगातार उत्साहित हैं, बाहर नारेबाजी हो रही है। तराड़ी की क्षेत्र की जनता के पहले जाएंगे या पहले फिर काम आज से इस काम शुरू हो जाएगा? अभी पहले हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि सबने बहुत मेहनत की है और सबने दिल से मेहनत की है। उस मेहनत के लिए मैं उनके साथ, उनके जोश के साथ, उनके हर चीजों में कदम से कदम मिलाकर उनके साथ बढ़ूंगा, और खास करके मेरे युवा भाइयों को जो आप जोश देख रहे हैं बाहर, वो साथ में उनके जोश के साथ जहां तक जाते हैं पहुंचेंगे, और उसके बाद कल से हमारी काम शुरू। पांडे परिवार की दूसरी पीढ़ी है जिसकी पॉलिटिक्स में एंट्री और माननीय बने, आप क्या कहना चाहेंगे? पिताजी के बाद, चाचा जी के बाद आप विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये विरासत नहीं है और ये पीढ़ी की विरासत नहीं है, सेवा की विरासत है, और ये विरासत आगे चलती चली जाएगी अगर सेवा की नीति हमारी इसी तरह बढ़ती चली।